हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज के बारे में। ये जो एमसीक्यूज रहेंगे, ये एनसीईआरटी प्लस लूसेंट का जो मिक्सचर रहेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। और अगर आप जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवेज हो, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और यानी कि डिफरेंट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन जो है डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स में आपको इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 20 एमसीक्यूज। आप वीडियो को पास करके इसका राइट आंसर जरूर बताते जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कौन सी स्टेट से पास नहीं होता है। तो जहाँ पे चार स्टेट्स बताई गई है, कौन सी स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। देखिए, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और राजस्थान से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, उड़ीसा से पास नहीं होता। तो आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा। ठीक है, तो आंसर डी बनेगा। आप देख सकते हैं 8 स्टेट्स है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है निकलता है, जिसमें गुजरात आपका आ गया, राजस्थान आ गया, फिर आपका मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 8 स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, उड़ीसा से नहीं निकलता। तो आंसर आपका बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस रिवर को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी। तो गोदावरी को बोला जाता है वृद्ध गंगा के नाम से। तो जी आप देख सकते हैं गोदावरी इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर गंगा के बाद। और रिवर गंगा की कितनी लेंथ है? 2525 किलोमीटर। और रिवर गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। और ये रिवर जो गोदावरी है, ये ऑफन रेफर टू एज उसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एंड एक्सटेंट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो लैटिट्यूड है जो पास होता है इंडिया के मिडल इंडिया के बीच में। जैसे ये इंडिया है, जहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इंडिया आ गया, एक रफ मैप बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये सपोज इंडिया आ गया, तो ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को दो पार्ट में, ठीक है, पास इंडिया के मिडल में पास होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनेगा आंसर डी। 23.5 डिग्री से जो गुजरता है और इंडिया के जो बिल्कुल सेंटर से निकलता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं, ये आपका अगर ये पूरा अर्थ है, ठीक है, पूरा अर्थ है, तो पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में जो ट्रॉपिक ऑफ जो लैटिट्यूड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड पूरे अर्थ की बात करें तो आपका इक्वेटर आ गया। और अगर हम इंडिया की बात करें तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और इक्वेटर जो है पूरी अर्थ को, ठीक है, तो ये आपका दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है। इसमें से कौन सी फॉरेन कंट्री जो है बिल्कुल क्लोज है अंडमान आइलैंड की? श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, जो पाकिस्तान है। आंसर आपका डी बनेगा, सॉरी, ठीक है, पाकिस्तान काफी ऊपर आएगी इंडोनेशिया और श्रीलंका। तो आंसर आपका सी बनेगा, म्यांमार जो है बिल्कुल क्लोज है किसके? अंडमान आइलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना ट्रांस हिमालय रिवर के बारे में। ट्रांस हिमालय रिवर कौन सी है? गंगा है, जमुना है, इंडस है या रावी है। आंसर आपका सीधा क्या बनेगा? सी, इंडस जो है ट्रांस हिमालय रिवर है। आप देख सकते हैं दो ग्रुप है हिमालय रिवर के, एक को बोला जाता है ट्रांस हिमालय रिवर और एक को बोला जाता है हिमालय रिवर। ट्रांस हिमालय रिवर के बारे में देख सकते हैं, ऐसी रिवर जो कि हिमालय के बियॉन्ड से जो है ओरिजिनेट होती है, जैसे आपकी इंडस है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, इनको हम बोलेंगे ट्रांस हिमालय रिवर। और हिमालय रिवर क्योंकि ओरिजिनेट होती है कहाँ से? हिमालय से। और इसमें आपकी गंगा आ गई, जमुना आ गई और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा। तो इसमें ट्रांस हिमालय रिवर के बारे में पूछा गया था, तो इंडस ट्रांस हिमालय रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डनकन जो पासेज है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? मिनिकॉयर अमनदीप में, अमनदीप, मिनिकॉयर मालदीव्स, लिटिल अंडमान एंड निकोबार, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे डी, ठीक है। तो जी डनकन पासेज सिचुएटेड है अंडमान, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान में, ठीक है। तो जी आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन, इट्स अबाउट 48 किलोमीटर वाइड और जी सेपरेट करता है रुटलैंड आइलैंड टू द नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान टू द साउथ। और जी बेस्ट ऑफ डनकन पासेज है बेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में और ईस्ट ऑफ द अंडमान सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से स्टेट बतानी जो कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट में आपकी कौन सी आ गई? आपकी अरुणाचल प्रदेश आ गई। तो आंसर क्या बनेगा? सी, ठीक है। तो आपको अगर वेस्टर्न मोस्ट स्टेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर क्या बनेगा? गुजरात, ठीक है, बिल्कुल। साउथ में कौन सी है? साउथ में है आपकी तमिलनाडु, बिल्कुल साउथ में तमिलनाडु। अब नॉर्थ में कौन सी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यूनियन टेरिटरी कौन सी है। यूनियन टेरिटरी आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगी, कौन सी है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ में बताना आपको, ठीक है। तो
आपकी जहाँ पे ईस्टर्न साइड में आपकी अरुणाचल प्रदेश है, वेस्टर्न साइड में मैंने आपको गुजरात के बारे में बता दिया, ठीक है, बिल्कुल साउथ में आपकी तमिलनाडु और ऊपर आपने बताना, ठीक है, नॉर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी वाटर बॉडी है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करती है, ठीक है, यानी कि कौन सी वाटर बॉडी जो है सेपरेट करती है अंडमान और निकोबार आइलैंड को, 10 डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल है, अंडमान सी है या बे ऑफ बंगाल, तो आंसर आपका ए बनेगा, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है डिवाइड करता है अंडमान सी अंडमान और निकोबार आइलैंड को, ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को फ्रॉम ईच अदर इन द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है कहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आपका ईस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट, ये आ गया आपका, ये आपका आ गया वेस्टर्न घाट, ठीक है, सॉरी ईस्टर्न घाट आ गया और ये आपका आ गया वेस्टर्न घाट, ठीक है, तो ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं कोई कौन सी, तो आप देख सकते हैं नीचे का कौन सी है, नीचे आपको देखने को मिलेगी ये एरिया जो है तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु के अंदर है नीलगिरी हिल्स, आंसर सी बनेगा, ठीक है, तो आंसर सी है नीलगिरी हिल्स। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूस रेंज है माउंटेन्स की अलॉन्ग विद ईस्टर्न स्टेट्स ईस्टर्न कोस्ट वेरियस वेस्टर्न घाट्स आल्सो नोन है, इसको वेस्टर्न घाट्स को जहाँ पे क्या बोला जाता है, सियादरी के नाम से, ठीक है, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं ये है नीलगिरी हिल्स, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू वैली कहाँ पे सिचुएटेड है, लद्दाख और पीर पंजाल, रणज्योति एंड नागटिबा, लेसर हिमालय शिवालिक या दौलादार एंड पीर पंजाल, आंसर क्या बनेगा आपका, डी दौलादार एंड पीर पंजाल, इसका आंसर रहेगा कुल्लू वैली। कुल्लू वैली है कहाँ पे, कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है इसको क्या, इसको किस नाम से जाना जाता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न प्लेट्यू, बंगाल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या साइक्लोनिक कोस्ट, आंसर सी बनेगा, कौन सा, कोरोमंडल कोस्ट, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। गुवाहाटी जो है कौन सी रिवर के किनारे सिचुएटेड है, अब गुवाहाटी जो है ये है असम के अंदर, ठीक है, असम के अंदर है गुवाहाटी, और असम से जो रिवर निकलती है उसको बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्र, आंसर बी, ठीक है, तो आंसर बी बनेगा ब्रह्मपुत्र। कहाँ से एंटर करेगी, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करेगी, फिर असम से घूमती घूमती जाएगी सीधी कहाँ पे, ये आपकी चली जाएगी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाली साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी जो है कंट्री जो है इसकी लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया के साथ, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, बांग्लादेश, भूटान, चाइना या पाकिस्तान, सबसे ज्यादा बाउंड्री है बांग्लादेश की, ठीक है, तो आंसर ये बनेगा, जिसकी टोटल बाउंड्री है 4,096 किलोमीटर, तो ये बाउंड्री है इंडिया के साथ जो बांग्लादेश की लगती है। सबसे कम अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये है 106, किसकी है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है, 106 किलोमीटर बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लगती है, बिल्कुल कम अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, वो सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, 4,096 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से लार्जेस्ट लगून कौन सा इंडिया का, बिमनाड लगून, चिरका लगून, पुलिकल लगून या कुलेरू लगून, आंसर आपका क्या बनेगा, बी चिरका लगून। ये चिरका लगून है क्या, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सी स्टेट के अंदर है, आप साथ साथ में जरूर कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट जो है इंडिया की जिसकी स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री है, स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री है गोवा की, आंसर क्या बनेगा, ए, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी रिवर है जिसको जाना जाता है सौरव बंगाल के नाम से, सोन है, दमोदर है, हुगली है या कोसी है, आंसर बी बनेगा, दमोदर, दमोदर रिवर जानी जाती है सौरव बंगाल के नाम से। ये राइज होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू और ज्वाइन करती है हुगली रिवर को आफ्टर कवरिंग 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, इट्स फरी हैज बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय टीवीएस, यानी कि दमोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो काजेज है रेनफॉल के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन, देखिए जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया की उसमें विंटर सीजन के दौरान वहां पे बारिशें होती है, रेनफॉल होती है, उसमें मेन काजेस क्या रहते हैं, किसकी वजह से होती है, क्या साइक्लोनिक डिप्रेशन होता है, मॉनसून रिट्रीट करता है, क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होते हैं, या साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से होता है, तो विंटर में साउथ वेस्ट मॉनसून नहीं होते, मॉनसून रिट्रीट भी नहीं करता और साइक्लोनिक डिप्रेशन भी होता, तो आंसर क्या बनेगा, सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से, सो आंसर सी बनेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया के वहाँ पे विंटर्स के दौरान रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदवाना जो कोल फील्ड है ये कहाँ पे पाई जाती है, असम, मध्य प्रदेश, मेघालय या जम्मू कश्मीर, आंसर बी बनेगा आपका, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, तो जो आप थोड़ा सा जहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको जहाँ पे मेनली यही याद रखना, गोदवाना जो कोल फील्ड है ये पाई जाती है मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमलाई जो सेंचुरी है ये किसके लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एलिफेंट्स के लिए या बिसोन्स के लिए, बिसोन्स के लिए, तो ये फेमस है टाइगर्स के लिए, आंसर क्या बनेगा, ए, टाइगर्स के लिए फेमस है। मधुमलाई सेंचुरी जो है वाइल्ड लाइफ
प्रिजर्व इन वेस्टर्न तमिलनाडु स्टेट, ठीक है। तो आपको सीधा स्टेट याद रखनी तमिलनाडु के अंदर है जी, और जी इसको स्टैब्लिश किया गया था 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटियो रिच इन मिनरल इन इंडिया, ऐसा कौन सा प्लेटियो जो रिच इन मिनरल्स है? मालवा प्लेटियो, छोटा नागपुर प्लेटियो, डेक्कन प्लेटियो या मैसूर प्लेटियो, मैसूर प्लेटियो। सो आंसर क्या बनेगा? बी, छोटा नागपुर प्लेटियो। छोटा नागपुर प्लेटियो इसका राइट आंसर आंसर बी बनेगा। मणिपुर हैज कॉमन बाउंड्रीज विद द ग्रुप ऑफ स्टेट्स, मणिपुर के साथ जो कॉमन बाउंड्रीज है ग्रुप ऑफ स्टेट्स की कौन कौन सी है, ये आपने कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ में बताते जाइएगा। सो आंसर क्या बनेगा आपका? सही बनेगा, ठीक है। नागालैंड, असम और मिजोरम, इनकी जो बाउंड्री है टच करती है किसके साथ? कॉमन बाउंड्री है मणिपुर के साथ। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो, इसमें हमने 20 एमसीक्यूज को कवर किया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इस वीडियो को मैं और कंटिन्यू करूंगा, और डेली आपके लिए 20 क्वेश्चन जो है लेके आऊंगा, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे आपके साइंस वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।